हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, आज हम सेमूसी से षष्ठ पाठ भ्रांतो बालः पढ़ रहे हैं। भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक भ्रमित बालक अपने अध्ययन कर्म को छोड़ करके खेल कूद में अपना समय खराब करता है, और जब वह देखता है कि संसार के सभी प्राणी जीव जंतु अपने अपने काम में तल्लीन रहते हैं, तो वह भी निश्चय करता है कि मैं भी अब अपना कर्म करूँगा, अपना काम करूँगा। और फिर वह विद्यालय जाकर के विद्या ग्रहण करता है, और कुछ समय बाद में वही बालक सफलता प्राप्त करके खूब धन संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृत पोढ़ावलिः इति कथा ग्रंथात् संपादनं कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत पोढ़ावली नामक ग्रंथ से संपादित किया गया है। अस्यां कथायां एकः तादृशः बालः चित्रितो अस्ति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है, यस्य रुचिः स्वाध्यायापेक्षया क्रीडने अधिका भवति। जिसकी रुचि, जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेल कूद में लगा रहता है। स सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्ना भवन्ति। वह हमेशा खेलने में ही अभिलाषित रहता है, उसकी इच्छा रहती है खेलने में ही, परंतु उसके जो मित्र होते हैं वे अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इस कारण से वे उसके साथ नहीं खेलते हैं। अतः एकाकी स नैरास्यं प्राप्य विचिन्तयति, इसलिए वह अकेला निराश होकर के, निराशा को प्राप्त करके सोचता है, यत् स एव रिक्तः सन् इतस्तः भ्रमति, कि वह ही केवल खाली है और इधर उधर घूम रहा है। कालांतरे बोधो भवति, अंततः उसे बोध होता है, यत् कि सर्वे अपि स्वय स्व कार्यं कुर्वन्तः सन्ति, सभी अपने अपने कार्य कर रहे हैं, अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थकः स्यात्, मैं भी अब वैसा ही कार्य करूं जिससे मेरा समय सार्थक हो। पाठ शुरू होता है। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः भ्रमित, कश्चन कोई, क्रीडितुम् खेलने के लिए, अगच्छत् गया। भ्रमित बालक खेलने के लिए पाठशाला जाने के समय में खेलने के लिए बाहर गया, किंतु तेन सह केलिभिः खेल द्वारा कालं क्षेप्तुं समय बिताने के लिए, तदा कोऽपि न व्यसेषु मित्रों से उपलभ्यमान आसीत्, किंतु उसके साथ कोई भी खेलने के लिए या खेल कूद के में समय बिताने के लिए उसके साथ में कोई नहीं होता है, कोई मित्र उसके साथ नहीं आता था। यतः क्योंकि ते सर्वे अपि पूर्व दिन पाठान स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणाः अभवन्। त्वरमाणाः शीघ्रता करते हुए, स्मृत्वा याद करके,
पूर्व दिन पाठान पहले दिन दिए गए पाठों को, क्योंकि उसके जो मित्र होते हैं वे सभी पहले दिन के पाठों को याद कर विद्यालय जाने में तल्लीन रहते हैं या जल्दी करते हैं, शीघ्रता करते हैं। तंद्रालु बाल लज्जया तेसाम दृष्टिम पथमपि परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविश्यत। तंद्रालु आलसी दृष्टि पथमपि निगाह को परिहरन बचाता हुआ एकाकी अकेला किमपि किसी भी उद्यानम बगीचे में प्राविश्यत प्रवेश करता है। वह आलसी बालक लज्जा के कारण अपनी निगाहों को बचाकर अकेला ही किसी बगीचे में प्रवेश करता है। सह अचिंतयत वह सोचता है। वीरमंतु रहने दो, एते वराका इन बेचारों को, पुस्तक दासाह पुस्तक के दास यानी पुस्तकों के गुलाम। उसने सोचा रहने दो इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को, अर्थात हम जो कहते हैं किताबी कीड़े। अहम तू आत्मनम विनोदिष्यामी मनोरंजन करूँगा, आत्मनम स्वयं का। वह सोचता है मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा ही। संप्रति इस समय विद्यालयं गत्वा भूय क्रोधस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि, न प्लस एव नहीं ही। इस समय विद्यालय जाकर के कुपित शिक्षक का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। एते निष्कुट वासिनः वृक्ष के कोटर में रहने वाले प्राणिन एव मम वैश्याः सन्तु इति। अब पक्षियों को ही अपना साथी बना लेता हूँ, वो पक्षी जो वृक्ष के कोटर रूपी घर में रहने वाले होते हैं, यानी पक्षियों को मेरे साथ खेलने के लिए अपना साथी बना लेता हूँ, ऐसा वह सोचता है। अत सपुष्पोद्यानम व्रजंतम मधुकरम दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। पुष्पोद्यानम बगीचे में व्रजंतम जाते हुए मधुकरम भावरा दृष्ट्वा देखकर आह्वयत बुलाया। उसके बाद में वह बगीचे में जाते हुए भंवरे को देखता है और उसे खेलने के लिए दो तीन बार बुलाता है। तथापि सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। फिर भी वह भंवरा उस बालक के आह्वान को तिरस्कृत करता है, अर्थात उसकी आवाज़ नहीं सुनता है। ततो भूयो भूयः हटमाचरति बाले स मधुकरः अगायत। तब वह मीठे रस को इकट्ठा करने वाला भंवरा गाने लगता है, यानी कि उस बालक के बार बार हट करने पर वह गाता है और कहता है मैं वयम ही मधु
संग्रह व्यग्रह इति। हम सब मधु संग्रह में लगे हुए हैं, अर्थात फूलों का मीठा रस या मीठा शहद संचय करने में व्यस्त हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्रष्टि चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकम् चटकम् अपश्यत्। मिथ्या गर्वितेन झूठे गर्व वाले कीटेन कीड़े के द्वारा दत्त दृष्टि निगाह करके चंचवा चौंच तृण शलाका दिकम घास के तिनके को आददानम ले जाते हुए चटकम चिड़िया को अपश्यत देखा। वह बालक अपने आवाज को देकर के और ये सोचते हुए कि यह एक कीड़ा है, इस कीड़े को रहने दो, और दूसरी ओर निगाह करने पर चोंच में घास का तिनका ले जाते हुए एक चिड़िया को देखता है। अवदत् च और बोलता है, आई चटक पोत, अरे चिड़िया। मानुषस्य मनुष्य का मम मेरे मित्रम भविष्यसि होगे। वह कहता है उससे चिड़े से कि तुम इस मनुष्य के मित्र बनोगे। एही क्रीडावह आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कं तृणं त्यज स्वादूनि भक्ष्य कवलानि ते दास्यामि इति। यह सूखे तिनके को त्याग दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाने के लिए दूंगा। भक्ष्य कवलानि स्वादिष्ट भोजन का जो अंश है, उपयुक्त जिसको कोर कहते हैं, वो मैं तुम्हें दूंगा। स तु मया वटदूमस्य शाखायां नीडं कार्यं इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। तब वो कहता है कि मुझे तो वट वृक्ष की शाखायाम शाखा पर नीडम घोंसला, मुझे तो वट वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है। इत्युक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। इस तरह कह करके वह अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नोपगच्छन्ति। इस तरह से खिन्न का अर्थ होता है दुखी, मानुषेषु मनुष्यों के, नोपगच्छन्ति पास नहीं जाते हैं। इसके बाद दुखी हुआ वह बालक पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेषयामि अप्रम मानुषोचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानम किमपि स्वानम अवलोकयत्। अन्वेषयामि खोजता हूँ, विनोदयितारम मनोरंजन करने वाले को, विचिन्त्य सोचकर पलायमानम भागते हुए को,
कमपि किसी को भी, स्वानम कुत्ते को, अवलोकयत देखा। इसी तरह वह दुखी हुआ बालक मनुष्य की तरह मनोरंजन करने वाले किसी अन्य प्राणी को देखता है और जब वह घूमकर देखता है तो उसे एक भागता हुआ कुत्ता दिखाई देता है। प्रीतो बालः, प्रसन्न होते हुए बालक तम इतम संबोधयत, उसको संबोधित करता है, इस प्रकार से करता है, रे मानुषाणा मित्र किम पर्यटसी अस्मिन निधाग दिवसे, गर्मी के दिनों में पर्यटसी भ्रमण कर रहे हो। वह कहता है, प्रसन्न बालक संबोधित करता है, अरे मनुष्य के मित्र क्यों तुम इस गर्मी के दिन में भटक रहे हो। इदम प्रयास प्रच्छाया शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, प्रच्छाया शीतलम शीतल छाया का, तरुमूलम पेड़ के नीचे, आश्रयस्व आश्रय लेते हैं, इस पेड़ के नीचे इसकी सघन छाया में ठंडी छाया में आश्रय ले लो। अहमपि क्रीड़ा सहायम त्वामे वानुरूपम पश्यामिति, क्रीड़ा सहायम खेल में सहयोगी, त्वामेव अनुरूपम तुम्हारे ही अनुरूप, तुम्हारे ही उपयुक्त। वह कहता है, मैं भी तुम्हारे जैसे किसी साथ खेलने के सहयोगी को तलाश रहा था। कुक्कुरः प्रत्यवदत्, कुत्ता बोलता है, कुत्ता उत्तर देता है। वह एक श्लोक पढ़ता है, यो माम पुत्र प्रत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग कारणान्न मया भ्रष्टव्यमीश दपि इति, जो मुझे पुत्र की भांति प्रसन्नता पूर्वक भोजन देता है, मेरा पोषण करता है, उस स्वामी के घर की रक्षा करना, उसकी रखवाली करना, उसमें मैं जरा भी असावधानी नहीं कर सकता हूँ। इतना कह कर के वो चला जाता है। सर्वेह एवं निषिद्ध स बालो भग्न मनोरथ सन कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्व कार्ये निमग्नो भवति। सर्वे सभी निषिद्ध मना किया गया, भग्न मनोरथ टूटी हुई इच्छा, कथम प्लस अस्मिन् कैसे इस जगति संसार में, स्वस्व कार्ये अपने अपने काम में, निमग्नो भवति तल्लीन रहते हैं, सभी के द्वारा इस प्रकार से मना कर दिए जाने पर निराश होकर के वह बालक किस प्रकार से इस संसार में प्रत्येक प्राणी अपने अपने काम में तल्लीन रहते हैं। न कोऽपि मामीव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी कालक्षेपम समय बिताना, सहते
सहन करता है। कोई भी मेरे साथ व्यर्थ में समय बिताना सहन करता है। नम एतेभ्यः ये मे तन्द्रालु त्वालया कुत्सा संपादिता उत्पन्न कर। वह कहता है मेरे इस तरह कोई भी व्यर्थ में समय जब व्यतीत नहीं करता है कि सभी प्राणियों को नमन है, उनको नमस्कार है जिन्होंने मुझ में आलस्य के प्रति जो घृणा है वो उत्पन्न कर दी है। अथ सोचितम अहमपि करोमि इति विचार्य त्वरितम पाठशालाम अगच्छत। अतः मैं भी अब अपने योग्य कार्य करता हूँ, यही सोच करके वह शीघ्रता से पाठशाला की ओर चला गया। ततः प्रभृतिः स विद्याव्यसनी भूत्वा महतीं वेदुषीं प्रथां संपदं च अलभत। महतीं महान, वेदुषीं विद्वान के योग्य, प्रथां प्रसिद्धि को, संपदं संपत्ति को अलभत प्राप्त किया। तब से लेकर के वह भ्रमित बालक विद्याभासी बन करके महान विद्वजन योग्य प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त करके उसने धन धान्य को भी प्राप्त किया। धन्यवाद।